हे हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड आई वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एन आका फाउंडेशन। जैसे कि हमने करंट अफेयर डिकोड करने के लिए एक सीरीज लॉन्च किए, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए टॉपिक ऑफ द डे को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UNSDC फ्रेमवर्क। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ रिसेंटली क्या हुआ है। जो हमारा नीति आयोग है, जो कि एक थिंक टैंक है, वो उसने और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, और वो एग्रीमेंट का नाम क्या है, वो एग्रीमेंट का नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क फ्रॉम 2023 to 2027। नाउ ऐसी न्यूज़ आने पर आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसी न्यूज़ आ रही है तो हमें कौन से काम किए। सबसे पहले हमें यहाँ एक बॉडी दिख रही है, दैट इज नीति आयोग, जो कि इंडिया की है, जो कि एक थिंक टैंक है। सेकेंड चीज हमें क्या दिख रही है, वो दिख रही है यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन क्या है ये आपको पता होगा, इसीलिए मैं इसको प्रिसाइजली डिस्कस नहीं करता हूँ। और एक चीज हमें जो दिख रही है वो दिख रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ आपके मन में आ रहा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। इफ अगर मैं ये वर्ड को ब्रेक डाउन करूँ तो ये दो वर्ड में आता है, फर्स्ट वन इज सस्टेनेबल एंड सेकेंड वन इज डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट का मीनिंग तो आप सबको पता ही होगा, बट सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चले एक कोई पर्सन ए है, उसके दो बेटे हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। वो जो ए है उसने इक्वली अपने बच्चों को क्या किया है, 100-100 करोड़ रुपए दिए, क्लियर है। तो इसमें एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है कि रिसोर्स जो राम को मिले हैं और जो श्याम को मिले वो क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 100 crores। कितना, 100 crores। अब होता क्या है, जो राम होता है वो 100 करोड़ को अंधाधुंध खर्च कर देता है, क्लियर है। इन द एंड क्या होगा, उसके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्लियर। एंड सेकेंड वन जो हमारे श्याम है वो क्या करता है, अपने जो दिए हुए रिसोर्सेज दैट इज 100 crores उसको वो प्रॉपरली क्या करता है, मैनेज करता है और साथ ही साथ अच्छे से इन्वेस्ट करता है। नाउ अब आप मुझे डिफरेंस बताइए राम और श्याम में। राम ने क्या किया, रिसोर्सेज सेम थे बट उसने अंधाधुंध खर्च कर दिया। तो अब आप बताइए उसकी आगे वाली जो जनरेशन आएगी उसके पास कुछ बचेगा, ऑब्वियस है नहीं बचेगा। वेयर एज जो हमारे श्याम है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके आने वाली फ्यूचर क्या रहेगी, हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी और उनके पास हर चीज रहेगी। तो सेम चीज को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, हम करते हैं हमारे नेचर के लिए, क्लियर है ना। हमें पता है कि अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली कोई स्पेसिफिक कोई कंट्री है जो रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रही है, नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम क्या कर रहे हैं, जो नेचर है उसको बहुत बुरी तरह से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मतलब हम उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, क्लियर है, धीरे धीरे। बट ये सिचुएशन राम और श्याम से फिर से कनेक्ट करके देखिए, हमारे पास नेचर क्या है, वो है लिमिटेड नेचर है, बट हम क्या करते जा रहे हैं, राम की तरह हम ये नेचर को क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्ट करते हुए जा रहे हैं। तो आप देखिए आगे वाली फ्यूचर को क्या दे रहे हैं हम, क्लियर है, क्या दे सकते हैं हम, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे, बस हम हमारे रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम रिसोर्सेस को कौन से टाइम से या कौन से एरा से हम बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दिन है 1750, वर्ल्ड में 1750 में क्या आ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या आ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बूम पे जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते हम रिसोर्सेस को बुरी तरह से एग्जॉस्ट करने के तरफ जा रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, शिफ्ट फ्रॉम मैन पावर टू मशीन पावर। अब नाउ ये जो मशीन्स है ये कैसे चलती है, ये चलती है स्टीम से, है ना। फॉर एग्जाम्पल बता रहा, सबसे पहले जो डेवलप हुआ था वो स्टीम हुआ था, और स्टीम का मतलब क्या होता है, भाप, पानी को गर्म करके जो स्टीम निकलती है, क्लियर है। तो इसमें हम कौन से रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वाटर को। फिर मशीन और एक तरीके से चलती है जिसको हम बोलते हैं कोल बेस्ड,
है ना, कोल का यूज, बट हमें पता है कि कोल क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है और ये लिमिटेड है. स्टिल जैसे ही आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो इंसानों ने ये रिसोर्सेस को ब्रूटली यूज़ करना चालू कर दिया, अंधाधुंध यूज़ करना चालू हो कर दिया, और इसके इम्पैक्ट अभी हमें दिखते हैं. दैट इज क्लाइमेट चेंज. क्या दिखते हैं? क्लाइमेट चेंज. तो सब ये कंसर्न रिश्यू हुआ है ना, क्लियर है? सब लोगों को लगा कि इफ अगर हम यही पेस से अगर रिसोर्सेस को एग्जॉस्ट करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, क्लियर, और आने वाली फ्यूचर को कुछ भी नहीं मिलेगा. तो इसी के चलते एक कंसेप्ट आया, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या कंसेप्ट आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ अगर मैं पूछूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये कोट, वेट, ये कोट को हम बाद में डिस्कस करते हैं. नाउ अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट डू यू एक्चुअल मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर, तो इसका मतलब क्या है? एक वर्ल्ड वाइड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन अगर आप देखो तो वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द ब्रंट लैंड कमीशन, एक कमीशन बिठाला गया जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम है अवर कॉमन फ्यूचर. और ये पब्लिश कब कर रहे हो? 1987 में. और यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन मिल रही है. और डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, है ना, ऐसे डेवलपमेंट जो कि हमारे प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करे बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. मतलब ऐसे रिसोर्सेस, इस तरह से रिसोर्सेस का यूज करना जिससे कि हमारी प्रेजेंट नीड तो फुलफिल हो जाए बट हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें ये जो रिसोर्सेस है वो आगे लेके जाना है. क्योंकि डेवलपमेंट तो ये नीड ऑफ द चेंज है ना. डेवलपमेंट तो सबको ही चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको डेवलपमेंट ना चाहिए हो. डेवलपमेंट तो सबको ही चाहिए बट हम किस डिग्री ऑफ लेवल से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके इसके ऊपर हमें फोकसली ध्यान देना चाहिए. यही डेफिनेशन का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर है? तो मैंने आपको, अगर आप मेंस में अगर आपको कोई पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो जो कि पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, क्लियर. इफ अगर आपको मैं कोट के हिसाब से बताऊं तो यहां हमें महात्मा गांधी जी का एक कोट बहुत फेमस हुआ है या फिर बहुत फेमस है, वो है, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड्स बट नॉट एवरी मैंस ग्रिड. क्या बोल रहे हैं गांधी जी? वो बोल रहे हैं कि अर्थ अर्थ के पास इतना रिसोर्स है कि वो हर बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग को क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं. बट अर्थ क्या फुलफिल नहीं कर सकता है? वो करता है मैन की ग्रीड को, मतलब इंसान की लालच को वो पूरा नहीं होगा कभी. लालच कभी भी खत्म नहीं होती है. और इसी का एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से हमें एक दिखा है कि पूरे वर्ल्ड में एक चेंजिंग ऑर्डर सा है एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू अर्न मनी. हाँ, और मनी जहां आ जाता है वहां क्या आ जाती है? ग्रीड आ जाती है. तो आप कहीं मीन्स में महात्मा गांधी जी का कोट यूज कर सकते हो, क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर से मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ. हम क्या कर रहे हैं? हमें एक टॉपिक दिखा न्यूज़पेपर में, हम उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें हमें, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको प्रॉपर एक एग्जाम्पल दिया. साथ ही साथ मेंस में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्या है कि कैसे डिफाइन करेंगे, वो डेफिनेशन मैंने आपको बताई. और साथ ही साथ कंक्लूड करने के लिए मैंने आपको क्या दिया हुआ है? एक कोट भी दिया हुआ है. ठीक है, तो चलिए अभी तक की स्टोरी ये रही, अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्यों है? नीड क्यों है? इसके तीन मेन पैरामीटर्स हैं. सबसे पहले ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
हमें पता है जैसे ही आईआर स्टार्ट हुआ है तो ह्यूमंस ने क्या करना चालू कर दिया है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन तो ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं रिसोर्सेस का। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो आगे आने वाली फ्यूचर को हम क्या देंगे, क्लियर है? इसीलिए हमें नीड गिरी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर है? इफ अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो अभी तक हमने पूरा 60% ऑफ द वर्ल्ड मराइन फिशरीज को क्या कर दिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, क्लियर? तो ये एक बेटर एग्जांपल हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सेकंड चीज है स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्स। अब ये दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, बट हमें पता है ना पेट्रोल या क्रूड ऑयल क्या है, लिमिटेड है, कोल लिमिटेड है, क्लियर है कि नहीं है? तो क्या है आपकी ओवर पॉपुलेशन, और हमें पता है पॉपुलेशन कितने स्पीड में बढ़ रही है, बट जो हमारा जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वो लिमिटेड है। इसीलिए हमें गरज गिरी ऑफ व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट वो है हमारा क्लाइमेट चेंज। वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। हमें पता है ना ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो रहे हैं ना, क्रूड ऑयल का हम यूज करते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से क्या होता है, फिर पोल्यूशन से क्या होता है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, बहुत गर्मी होती है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्टडाउन हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो सारे फिनोमिनन्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेस को बहुत ब्रूटली क्या कर रहे हैं, उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उसको अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये दीज आर द रीजन जिसके वजह से हमें गरज है, किस चीज की गरज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्लियर? चलिए नाउ कोर एलिमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर एलिमेंट क्या है कि देखिए, इफ अगर आपको रिसोर्सेज को अगर बचाना है तो ये तो नहीं हो सकता कि आप आपकी ग्रोथ को बचा लो या फिर ग्रोथ को कम कर लो, नहीं। हमें क्या करना है, हमें ग्रोथ भी करना है बट साथ ही साथ हमें ये ध्यान भी देना है कि आगे वाले फ्यूचर को भी इसका कोई डर ना रहे, क्लियर है, कि रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं या फिर वो कोई और अलग क्राइसिस में ना आए, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमने अगर कोर एलिमेंट की बात करूं तो वो क्या है, ग्रोथ। बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है ये, ग्रोथ। हमें ग्रोथ तो करना है बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आर फ्यूचर, क्लियर? सेकंड चीज इज सोशल इंक्लूजन। इंडिया सोशल इंक्लूजन के लिए क्या बोलता है, सबका साथ सबका विकास। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ सर्टन सोसाइटी या सर्टन स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को हर चीज का लाभ मिल रहा है बट जो पुअर स्ट्रेटा है उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा ना हो, इसीलिए हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एंड लास्ट जो है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब हमें डेवलपमेंट तो करना है बट हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, वो है ग्रोथ। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज नहीं है तो हम क्या नहीं कर रहे, हम ग्रोथ को तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। सेकंड चीज है सोशल इंक्लूजन, मतलब सबका साथ सबका विकास, सब लोगों के पास हर रिसोर्सेज का बेनिफिट होना चाहिए। एंड लास्ट वो है एनवायरमेंटल, ग्रोथ करिए, डेवलपमेंट करिए बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनवायरमेंट। तो दिस इज द मेन कोर एसेंस ऑफ व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने बताया कि क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर एलिमेंट क्या है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि इक्वल इनकम ग्रोथ है ना। यहाँ एक चीज समझ लीजिए, डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। अगर मैं आपको बताऊँ ग्रोथ सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आज हमारी जीडीपी 2.3 है तो आकल जाके कितना हो रही है, 3.3 हो रही है, 4.5 हो रही है, एन नंबर्स, वी आर द वेल विशर्स, हमारी जीडीपी और बूम होती रहे। बट ये हो गया कंसेप्ट ऑफ है ना ग्रोथ, बट डेवलपमेंट का क्या है, आपकी जीडीपी बढ़ तो रही है बट क्या वो सबको जा रही है, क्या वो जीडीपी का लाभ सबको हो रहा है, इसी का मतलब होता है डेवलपमेंट, क्लियर? तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, फोकस ऑन द इक्वल इनकम ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट इनकम, इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ दैट जनरेट वेल्थ फॉर ऑल। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है ऑल, क्लियर? देन विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, और हाँ हमें एनवायरमेंट को फोकस ही करना है, क्लियर? इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एज मैंने आपको डेवलपमेंट का डेफिनेशन बताया तो उसमें ये कवर हो गया। साथ ही साथ हमें
पुअर्टी को खत्म करना है। पुअर्टी ये बहुत मेजर चैलेंज है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ये एन नंबर्स ऑफ कंट्री के लिए पुअर्टी चैलेंज ही करती रहती है। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं कि हमें ग्रोथ पर नहीं, हमें किस पर फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट पर। क्लियर? चलिए, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी समझ गई, अब आते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसमें हम मेजरली बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसा ना हो कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे हैं बट सर्टन स्ट्रेटा को छोड़ दे रहे हैं। अब ये सर्टन स्ट्रेटा कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वेलिटी हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल हो सकती है, कम्युनिटीज। ऐसा ना हो कि कुछ कम्युनिटी ही फायदा उठा रही है और रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी को फायदा ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। क्लियर है? तो अब इफ अगर हम ये सब अचीव कर लेते हैं तभी हमारा सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है या फिर सस्टेनेबिलिटी का जो मोटिव है वो क्या हो पाएगा, वो सक्सेस हो पाएगा। क्लियर? चलिए, नाउ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सेम स्लाइड्स रिपीट हो रही है बट इसका मतलब वही है कि हमें डेवलपमेंट करना है बट एनवायरमेंट को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनवायरमेंट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली कि हमें ये करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट उसके इश्यूज क्या है? हम इतना बोल तो रहे हैं बट वो क्यों नहीं हम अचीव कर पा रहे? उसके पीछे के जो इश्यूज है वो है इनइक्विटेबल ग्रोथ, मतलब कुछ लोगों को ग्रोथ हो रहा है कुछ का नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। क्लियर है? और उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। एंड लास्ट वो है क्लाइमेट चेंज। हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बट स्टिल कुछ ऐसे यूरोपियंस कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज को एज है ना जोक समझते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने अभी पेरिस क्लाइमेट, जो 2015 का पेरिस क्लाइमेट है, वहां से उसने खुद को क्या कर लिया है, बैकआउट कर लिया है। तो ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो दीज आर द मेजर इश्यूज रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ रीजन स्पेसिफिक अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एनवायरमेंटल बेसिस पे ज्यादा बता रहा हूँ। हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी रीजन ले लीजिए, वहां हमें क्या दिख रहा है, डेजर्टिफिकेशन। क्लियर है? डेजर्ट बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, डिफॉरेस्टेशन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी वॉट वी आर डूइंग इज वी आर एग्जॉस्टिंग द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। फिर द राइज ऑफ सी लेवल, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर्स मेल्टन डाउन हो रहे हैं और फिर उससे क्या हो रहा है, जो हमारा समंदर का लेवल है वो आगे बढ़ रहा है या ऊपर बढ़ रहा है। उससे क्या है, सबसे ज्यादा थ्रेट अगर किसी को है तो वो है कोस्टल एरियाज को इंडिया की। अब आप कमेंट में बताइए कि इंडिया की कितनी ऐसी स्टेट्स है जो कोस्टल से रिगार्डिंग है ना, कोस्टल स्टेट्स हम जिसको बोल सकते हैं। एंड लास्ट, फ्लड एंड सॉइल इरोजन, सुनामी। सॉइल इरोजन की बात अगर मैं करूँ तो लैंडस्लाइडिंग। दीज आर द रीजंस कि हम ग्रोथ के पीछे इतने पागल हो गए कि हमने ये सारे इश्यूज को क्या कर दिया है, इनवाइट कर दिया है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ ग्लोबल इनिशिएटिव्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, वो हमें क्यों नीड है वो मैंने आपको बता दिया, उसके कोर एलिमेंट क्या है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब बातें तो बहुत कर रहे हैं बट उसमें इश्यूज क्या आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ क्या हम सब मिलकर कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स चला रहे हैं क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? हाँ, तो हम चला रहे हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स इज देयर, मैं यहाँ इसको डिटेल में नहीं करूँगा अदरवाइज लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है 1972 की, यूएनईपी है, अर्थ समिट है 1992 की, द फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है जिसको हम यूएनएफसीसीसी बोलते हैं, द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, द स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल है, रियो डिक्लेरेशन है, बहुत है हम कर रहे हैं। बट एक चीज इसमें कॉमन ये है कि हम सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, कोई सीरियस नहीं है इतने सारे ग्लोबल इनिशिएटिव आने के बाद भी। क्लियर? चलिए, बट कोई करे या ना करे बट हमें ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर को कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ इसी के चलते हुए जो हाईलाइट हुए है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसको ही जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका, इसको हम प्रिकर्सर मानते हैं। और ये सारे 189 कंट्रीज ने
साथ में मिलकर एग्री किया था कि हम क्या करेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, कुछ ऐसे गोल्स उन्होंने डिसाइड किए थे जिसको वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे अंटिल 2015। नाउ आपके मन में आ रहा होगी कि सर आपने ये बता तो दिया है बट गोल्स क्या क्या थे, तो गोल्स क्या क्या थे, गोल्स वो ये देखिए 8 डेवलपमेंट गोल थे जिसमें कि सबसे पहले है इरेडिकेट द एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन सबके पास जाना चाहिए, प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वुमन, इससे हम जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ वन इज इम्प्रूव इन द मैटरनल हेल्थ, ठीक है। फिफ्थ वन इज रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी। सिक्स वन इज इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सेवेंथ वन इज कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर सच डिसीज। एंड लास्ट वन इज डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब सब लोग आए, सब ने ये गोल अचीव करने की कोशिश की थी, क्लियर। और हमारा गोल था कि 2050 तक हम इनको अचीव करेंगे। एज यूजुअल सीरियस कोई नहीं है, तो लोगों ने सब ने फिर से मिलकर क्या कर दिया, एक नया कुछ एक नए गोल्स बनाए जिसको ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब हमने ये कब एडॉप्ट किए, हमने ये एडॉप्ट किए रियो डिक्लेरेशन में। अब नाउ इट्स योर होमवर्क कि रियो कहाँ आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ठीक है। और इसमें भी हमने क्या किया, फिर से वही स्टोरी दोहराएगी कि इसमें सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ गोल्स डिसाइड किए जिसको वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं अप टिल 2030, क्लियर। नाउ विच आर दिस गोल, दीज आर द गोल्स, ठीक है। टोटल 17 गोल्स है जो कि हमने सब ने मिलकर रियो डी जेनेरो में हमने क्या किया था, इकट्ठा है और सबको बोले कि हम ये गोल्स अचीव करेंगे। कब तक करेंगे, 2030 तक। ना मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि हम ये जो गोल अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला गोल है दैट इज नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने मिड डे मील चलाई हुई है, मनरेगा स्कीम चलाई हुई है कि इंडिया की गरीबी को हम इरेडिक्ट कर पाए। सेकेंड वन है जीरो हंगर। जीरो हंगर के लिए हम क्या करते हैं, मिड डे मील स्कीम चला रहे, क्लियर है, पोषण अभियान चला रहे, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं टू काउंटर जीरो हंगर। सेकेंड वन इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी मेडिकल स्कीम्स चला रहे हैं गवर्नमेंट, जिससे कि हमारी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखा जाए। इफ़ अगर आपको पता हो तो प्लीज़ एग्जाम्पल कमेंट में लिख के बताइए कि ये गोल को टारगेट करने के लिए इंडिया क्या कर रही है। फिर हमारा है क्वालिटी एजुकेशन, फोर्थ गोल जो है क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, RTI एक्ट लाया है, ठीक है, कि हम फ्री स्कूलिंग देते हैं बच्चों को 6 to 14 ईयर तक, क्लियर। फिर जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए हैं जिसके चलते 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया है जिससे कि हमने 33% रिजर्वेशन दिया है फीमेल को, क्लियर है, इन पंचायत एंड म्यूनसिपल। ये हम क्यों कर रहे हैं, टू टारगेट दिस। फिर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हर जल योजना, ये हम कर रहे हैं टू टारगेट और टू कम्प्लीट द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ अफोर्डेबल क्लीन ग्रीन, इसके लिए हम क्या करा रहे हैं, सोलर रूफ के जो मैकेनिज्म है कि हर रूफ पे हम सोलर लगाएंगे, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको पता है जो मीटू मूवमेंट चली थी उसको काउंटर करने के लिए फिर अभी हमने एक मैंडेटरी किया है कि हर कंपनी में रिड्रेसल मैकेनिज्म रहेगा, क्लियर। फिर फोर्थ है इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, इसमें हम सेज चलाते हैं, है ना, मेज चलाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव चलाते हैं, क्यों कर रहे हैं, टू टारगेट दिस। फिर रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये सारे स्कीम चला के हम क्या ही कर रहे हैं, हम इक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सस्टेनेबल एंड सिटीज एंड कम्युनिटी, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी मिशन चला रहे हैं, क्लियर। फिर ट्वेल्थ के लिए एज सच हम अब इंडिया में कोई ऐसी स्कीम चल नहीं रही है। क्लाइमेट एक्शन के लिए आपको पता है हम क्या क्या कर रहे हैं, हम अभी सोच रहे हैं कि हम EV मतलब ग्रीन व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, क्लियर है। फिर लाइफ बिलो वाटर के लिए हम क्या कर रहे हैं, मराइन इकोसिस्टम को बचाने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन्स लगाए हैं, क्लियर है, तो हम ये चीज़ें कर रहे हैं। लाइफ वन लैंड, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है ना, ये सारी चीज़ें टू टारगेट टू अचीव दिस।
फिर पीस एंड जस्टिस, अब आपको पता होगा पीस एंड जस्टिस के लिए हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे, ताकि हमारी जो कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में आए, तो इससे क्या होगा कि पीस आने की कोशिश करेंगी। एंड 17 पार्टनरशिप के लिए हमने सोलर अलायंस का ग्रुप का इनिशिएटिव लिया है, जिससे कि पूरे ग्लोबल एक कोई कनेक्ट हो जाए, एक कोई पॉइंट के लिए कनेक्ट हो जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें। तो दिस इज व्हाट अबाउट, मैं ये पोर्शन लेने वाला था कि जिससे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझे। नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आर मैम, वो आपको क्लियर ये करंट न्यूज़ क्या है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो मेरा इतना ही था, अब मैम विल कंटिन्यू। थैंक यू।